खूंटी के शहरी क्षेत्रों में चोर गिरोह काफी सक्रिय है। दो दिन पहले ही खूंटी के पिपरा टोली में एक सेकेंड हैंड बाइक शोरूम में चोरों ने अपना हाथ साफ किया, जहां चोरी करते हुए कई बाइक चोर ले उड़े। इसके अलावा उसी रात खूंटी के बीचोंबीच शहर में अवस्थित एक ज्वेलरी दुकान में भी चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो वहां पर सक्सेस नहीं हो पाया था। इसी क्रम में आज खूंटी के बाजारटांड में चोरों ने एक दुकान में अपना हाथ साफ किया, जहाँ दुकान में रखे नकदी सहित कई सामान चोर ले उड़े। चोरी के इस घटना को लेकर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि खूंटी के शहरी क्षेत्रों में चोर गिरोह काफी एक्टिव है। हालांकि इस चोर गिरोह को लेकर अब पुलिस भी एक्टिव हो गई है और चोर गिरोह का पता लगाने में जुट गई है। उम्मीद जताई जा रहा है कि जल्द ही चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। दूध दही का दुकान है जी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, बिस्किट बिस्किट मिक्सर वगैरह बेचते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपया का लेग कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, काजू किशमिश, ये सब चोरी हुई है। और लगभग चेंज पैसा से लेके कैश पैसा जो कि महाजन को देने देने के लिए रखा गया था, कुछ पानी वाला को, कुछ पब्लिक टूब्लिक्स वाला को, तो हम घर नहीं ले जाते थे सर। 9:30 बजे रात को जाते थे यहाँ से दुकान बंद करके, तो ड्रॉवर के अगल बगल में पैसा हम छुपा कर रखते थे। उसको तोड़ तार करके, खोज खाड़ करके लगभग 1 लाख रुपया मेरे पास अंदाजन लगभग वो पैसा होगा, वो पैसा मेरा सब ले गया है। कितने बजे की घटना होगी कुछ है अंदाज? कुछ अंदाज। आप दुकान कितने बजे बंद किए थे? दुकान हम बंद किए थे सर 9 बजे। अच्छा, 9 बजे बंद कर दिए थे और 6 बजे एक मेरा होटल के बगल में दोस्त है, वही उनका वो पास मोबाइल नंबर तो मेरा नहीं था, वो कहने गए हमको कि भैया भैया आपके दुकान में चोरी हो गई है वेंटिलेटर तोड़ करके। हम आए, दोनों पति पत्नी हक्का पक्का, पत्नी को नहीं ले जा रहे थे, फिर भी पत्नी आ गई साथ में, हक्का पक्का हो गए। देखे तो पहले तो मेरा कैश उस पर ध्यान गया, तो तोड़ तार करके देखे हैं कि वो कैश पास था। कुछ बिस्किट बिस्किट काजू किशमिश कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ खाया पिया और कुछ कपड़ा उपड़ा में बांध करके बोरा झोला में लेकर के चला गया है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सरोज चौधरी है सर, उम्र लगभग 63 साल है। इसकी सूचना दिए थाना को आप? थाना को हाँ सर, हम जैसे ही आए 7 बजे के आसपास थाना गए, 1 आध घंटा रुक करके हम पूरा लिखित बयान उनको हम जो आपके सामने में किए हैं, इसमें कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है, जो चीज़ सही है यथार्थ बात है वही हम थाना में लिख करके दिए, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिए। ठीक ठीक।